नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सुनील यादव। आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। पिपरिया नगर के समाज सेवी प्रखर वक्ता एवं जिला कांग्रेस कमेटी सचिव अधिवक्ता धर्मेंद्र नागवंशी के जन्मदिवस के मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर के वृद्धाश्रम में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मेंद्र नागवंशी ने बुजुर्गों को फल वितरित कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं नगर के अधिवक्ता संघ द्वारा भी कोर्ट परिसर में केक काटकर नागवंशी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि नागवंशी के जन्मदिवस पर देर शाम तक उन्हें शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा और कई लोग उन्हें शुभकामनाएं देने उनके घर और कार्यस्थल पर भी पहुंचे। पिपरिया से सटे ग्राम हतवास में स्थित विद्यासागर कॉन्वेंट हाई स्कूल एवं पांडे कोचिंग क्लासेस के द्वारा संयुक्त वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के अतिथि के रूप में पूर्व विधायक पंडित अर्जुन पलिया, वर्तमान विधायक ठाकुरदास नागवंशी, ग्राम हतवास सरपंच नरसिंह रावत समेत शहर के गणमान्य नागरिकों, बच्चों के माता पिता सहित विद्यार्थी उपस्थित हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, वहीं प्रबंधन के द्वारा होनहार छात्र छात्राओं को जो परीक्षा में अव्वल आए उन्हें 4100 रुपए की नगद राशि व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये वार्षिक उत्सव समारोह बच्चों के प्रतिभा को सम्मान करने के लिए है। पांडे कोचिंग क्लासेस और विद्यासागर इंग्लिश मीडियम स्कूल दोनों का कार्यक्रम संयुक्त कार्यक्रम था, जिसमें बहुत नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने के लिए वर्ष में एक ही बार उनको ऐसा मौका मिलता है कि वो अपनी कलाएं दिखा सकें। और हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स, हमारे शिक्षक सभी ने बहुत इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की, इससे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने तक क्या राज है? राज कुछ नहीं है। इंसान अगर सोचे कि मुझे कुछ पाना है तो उसके लिए जरूरी ये नहीं है कि वो कितना किस स्तर से है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। हर इंसान अंबानी बन सकता है, हर इंसान प्राइम मिनिस्टर मोदी बन सकता है, लेकिन उसकी मेहनत और लगन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। आप अपने बच्चों को, जो छात्र छात्राएं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में जो सोचा है उसको कर दिखाओ। ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में। आप चलो, कदम मिला के बढ़ो, कदम मिला के आगे बढ़ते रहो, और गुरु के मार्गदर्शन और माता पिता के आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसके लिए आपको आपके संस्कार जो माता पिता को पसंद है, माता पिता की बात मान के उनका रोज पढ़ाई करना, जो नियम सारणी हमारे पेरेंट्स बना के देते हैं उनको विधिवत फॉलो करना। हम विगत पांडे कोचिंग क्लासेस विगत 5 वर्षों से प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न कराती है, जिसमें पिछले वर्ष कक्षा 10th भोपाल शिक्षा मंडल द्वारा जो कक्षा 10th का परीक्षा आयोजित का जो रिजल्ट दिया जाता है, उस रिजल्ट में जो बच्चे 85 या 75 से ऊपर % लेके आते हैं, ऐसे बच्चों को पांडे कोचिंग क्लासेस 4100 रुपये की नगद राशि और आकर्षक शील्ड देती है। इस बार हमारे कार्यक्रम की उपलब्धि ये रही कि इस बार हमारी कोचिंग से, पांडे कोचिंग क्लासेस से, कक्षा 10वीं की एक छात्रा अंजलि पोयबिया गणित विषय में 100 में से 100 लंबाई लेके आई। उसको पांडे कोचिंग क्लासेस की तरफ से 10,000 रुपये नगद एवं शील्ड प्रदान कराई गई। और जो बच्चे पीछे रहते हैं, कम परसेंटेज लाते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, उन पर विशेष फोकस किया जाता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हो सके। पिपरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबे समय से रुकी हितग्राहियों की तृतीय किस्त का भुगतान अब जल्द होने वाला है। विषय को लेकर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंडित आदित्य पलिया से हितग्राहियों द्वारा किस्त न मिलने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद आज आदित्य पलिया ने नगर पालिका जाकर योजना से संबंधित हितग्राहियों की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि फर्स्ट DPR में लगभग 855 और सेकेंड DPR में लगभग 898 हितग्राहियों की पहली एवं दूसरी किस्त का भुगतान किया जाना है। पंडित आदित्य पलिया ने बताया कि फर्स्ट एवं सेकेंड DPR वाले वे हितग्राही जिनकी जियो टैगिंग सही पाई गई है, उनके खाते में 24 घंटे के अंदर किस्त की राशि का भुगतान किए जाने के निर्देश नगर पालिका को दिए गए हैं, जिसमें नगर पालिका द्वारा भी शीघ्र हितग्राहियों की किस्त का भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया गया है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रांशु राणे ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को धमकी दी। प्रांशु राणे ने रविवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट अपलोड कर अधिकारियों व पुलिस पर निशाना साधते हुए लिखा कि ये वायनाड नहीं, आप इसे वायनाड बनाने की कोशिश करो। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि शीघ्र ही भाजपा की सरकार आएगी, फिर पंजा छाप अफसरों को सजा मिलेगी। गौरतलब है कि आगामी नगरपालिका चुनावों के चलते राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर गर्माने लगी है। देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सत्ता परिवर्तन के बाद से ही समय समय पर वर्तमान कमलनाथ सरकार को गिराने व सत्ता परिवर्तन जैसे बयान आना अब आम बात हो गई है। लेकिन वक्त है बदलाव के नारे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस अपने एक वर्ष के कार्यकाल में जमीनी स्तर पर आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने के भरसक प्रयास में जुटी देखी जा रही है। यही कारण है कि 13 साल सत्ता में रहे भाजपाइयों को खासकर भाजपा शासित विधानसभाओं में अपने पैर न पसार पाने के चलते खुद हीन भावना का शिकार होना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र वायनाड की संज्ञा देकर प्रांशु राणे की सोशल मीडिया पर मन की टीस निकलकर सामने आई है।